Hello everyone, today we are here to know about a very interesting chapter and a very inspirational chapter in fact, because it is about Air Force Marshal Arjun Singh. Okay, and he was really a very tough guy and a very hard working guy who has a lot of contribution to India actually. सो आज हम लोग उसके अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे और वो जिस वॉर में सहभागी था उसके बारे में हम बात करेंगे. बहुत ही इंस्पिरेशनल इंसान था, बहुत कुछ सीख सकते हैं आप लोग इससे. तो आई होप कि ये चैप्टर रियली आपके लाइफ को थोड़ा इम्पैक्ट कर देगा कहीं ना कहीं. ओके, सो लेट्स बिगिन. एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह एन आइकन ऑफ इंडियाज मिलिट्री हिस्ट्री. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि अर्जन सिंह कौन था, एक आइकन था इंडियाज मिलिट्री हिस्ट्री का. ठीक है, आइकन मतलब इंस्पिरेशनल हीरो था वो. ठीक है, और एयरफोर्स में था वो, एयरफोर्स मार्शल था इनफैक्ट. एंड ही विल बी ऑलवेज रिमेंबर्ड एज वॉर हीरो हु हैड सक्सेसफुली लेड अ यंग IAF ड्यूरिंग द 1965 इंडो पाक वॉर. तो 1965 का इंडिया पाकिस्तान वॉर तो आपको पता ही होगा, इंडिया का बहुत ही डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस था और वन साइडेड जीता था इंडिया. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, जो एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह है वो हमेशा रिमेम्बर्ड रहेगा बिकॉज वो एक वॉर हीरो था. ठीक है, वो वॉर में वो एक हीरो था और उसने एक सक्सेसफुली यंग टीम लीड की थी IAF की, मतलब इंडियन एयरफोर्स की, कभी 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर में. ठीक है, द ओनली ऑफिसर टू अटेन द हाइस्ट पोस्ट ऑफ मार्शल. तो यहाँ पे क्या बोला है कि मेजर एयरफोर्स अर्जन सिंह वो एक, मतलब हाइस्ट पोस्ट उन्होंने अटेन किया था. ठीक है, और वो क्या था, द एयरफोर्स इक्विवेलेंट टू आर्मीज फाइव स्टार फील्ड मार्शल. तो वो जो पोस्ट था, ठीक है, वो फाइव स्टार फील्ड मार्शल से इक्विवेलेंट था, मतलब उसके इक्वल था. ठीक है, मतलब एक फाइव स्टार पोस्ट था इन शॉर्ट. सिंह वॉज अ फियरलेस एंड एक्सेप्शनल पायलट हु हैड फ्लोन मोर देन 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट. तो यहाँ पे क्या बोला कि जो एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह था वो एक फियरलेस था, फियरलेस मतलब बिल्कुल न डरने वाला, और एक्सेप्शनल पायलट था मतलब बहुत ही होशियार था, बहुत ही इंटेलिजेंट था, और उसने 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट उड़ाए थे. एयरक्राफ्ट मतलब जो वॉर प्लेन्स होते हैं ना, ठीक है, उसे एयरक्राफ्ट बोलते हैं. वो मतलब जब वॉर होते हैं उसमें यूज़ किए जाते हैं. तो एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह ऑलरेडी 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट उड़ा चुके थे. तो फर्स्ट पैरा में हमें उसके बारे में बताया, मतलब थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया उनका कि उनका क्या पोस्ट था और उन्होंने कैसे लीड किया था एक यंग टीम को इंडो पाक वॉर में. ठीक है, ही प्लेड अ मेजर रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग द IAF into one of the most potent air forces globally and the fourth biggest in the world. तो यहाँ पे क्या कहा है, जो एयर फोर्स मार्शल अर्जन सिंह थे उन्होंने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया था, मतलब बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था किसमें, जो IAF है इंडियन एयरफोर्स है उसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए. किसमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए, इन वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट एयर फोर्सेज. पोटेंट मतलब एकदम पावरफुल एयरफोर्स बनाने में उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था ग्लोबली, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड था, और फोर्थ बिगेस्ट वो ऑलरेडी बना चुके थे पूरे वर्ल्ड में. ठीक है, IAF को, मतलब इंडियन एयरफोर्स को. हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियन एयरफोर्स इज मॉन्यूमेंटल टू द लीस्ट. ठीक है, इधर क्या बोला है उन्होंने कि उनका जो इंडियन एयरफोर्स के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एक मॉन्यूमेंटल है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था, बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था. द IAF ग्रू विद हिम, मतलब जो इंडियन एयरफोर्स है वो उनके साथ ही ग्रो होने लगा. ठीक है, मतलब तरक्की करने लगा. ही वॉज द एपिटोम ऑफ मिलिट्री लीडरशिप इन क्लासिकल सेंस एंड इट इज देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट ही वॉज ऑनर्ड विद द रैंक ऑफ एयरफोर्स मार्शल. फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ IAF कपिल काक सेड. तो इधर जो वाइस चीफ है इंडियन एयरफोर्स के कपिल काक जी, उन्होंने क्या कहा कि मेजर जनरल अर्जन सिंह एपिटोम थे मिलिट्री लीडरशिप के. एपिटोम मतलब एक परफेक्ट एग्जांपल थे लीडरशिप के, मतलब एक क्लासिकल एग्जांपल थे, मतलब इतने अच्छे लीडर थे वो, इतना अच्छा लीडरशिप क्वालिटी था उनमें, और इसलिए उनको
किस चीज़ से ऑनर किया गया? एयरफोर्स मार्शल से, ठीक है, तो उनको वो रैंक मिल गया। और वो किसने दिया? वाइस चीफ IAF कपिल काक सर ने। सिंह वॉज ऑनर्ड विद द रैंक ऑफ मार्शल ऑन रिपब्लिक डे इन 2002। तो यहाँ पे क्या कहा है वो लोग ने कि सिंह वॉज ऑनर्ड, मतलब उन्हें जो रैंक मिला मार्शल का वो कब मिला? रिपब्लिक डे। आप सबको पता ही होगा रिपब्लिक डे कभी है, 26 जैन, ठीक है, और कभी मिला वो 26 जैन 2002 में उनको ऑनर कर दिया गया, ठीक है, रैंक ऑफ मार्शल से। सैम हॉर्मस जी फ्रॉम जी जमशेद जी मानिक शॉ एंड KM करियप्पा वर द ओनली टू आर्मी जनरल्स ऑनर्ड विद द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि अर्जन सिंह के पहले सिर्फ दो ही लोगों को मतलब अवार्ड किया था रैंक ऑफ मार्शल से, वो कौन थे? सैम हॉर्मस जी फ्रॉम जी जमशेद जी मानिक शॉ और KM करियप्पा, उसके पहले किसी को भी नहीं मिला था, और थर्ड थे ये अर्जन सिंह, ठीक है। तो ये इतना बड़ा रैंक माना जाता था तब भी, और अपने अचीवमेंट के लिए ही वो बहुत माना जाता था। नोन एज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, सिंह वॉज नॉट ओनली अ फियरलेस पायलट बट ऑल्सो हैड प्रोफाउंड नॉलेज अबाउट एयर पावर एंड अप्लाइड इट इन अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एरियाज। तो इधर क्या बोला गया कि जो मेजर जनरल, मतलब अभी जो ये बने थे उनको जो रैंक दिया मार्शल का, सो मार्शल अर्जन सिंह जो थे वो बहुत कम बोलते थे, ठीक है, वो ज़्यादा बोलते नहीं थे किसी से। नोन एज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, मतलब बहुत कम बोलते थे। बट उन्होंने क्या इधर बोले कि वो सिर्फ एक फियरलेस पायलट नहीं थे बट उनको बहुत नॉलेज भी था पूरे एयर पावर के मामले में, और उनका नॉलेज बहुत वाइड एरियाज में फैला हुआ था, मतलब उनको पूरे एयरफोर्स का बहुत अच्छा नॉलेज था। इनफैक्ट सिंह हैड असेड्यूसली लेड द IAF ड्यूरिंग द 1965 वॉर एंड डिनाइड सक्सेस टू पाकिस्तानी एयरफोर्स दो इट वॉज बेटर इक्विप्ड विथ अमेरिकन सपोर्ट। तो यहाँ पे क्या बोले, जो अर्जन सिंह थे, मार्शल अर्जन सिंह, वो इतना हार्ड वर्किंग थे, और जब 1965 का वॉर था पाकिस्तान के साथ, तो उन्होंने तब भी इंडियन एयरफोर्स लीड किया था, ठीक है। तो उन्होंने इतना तगड़ा प्लानिंग किया था तब, इतना मतलब मैन टू मैन मार्किंग किया था, कि पाकिस्तान को तभी अमेरिका का सपोर्ट था, और पाकिस्तान एक वेल इक्विप्ड कंट्री था तब, ठीक है। तो फिर भी हमारे इंडिया ने उनको वन साइडेड हराया, ठीक है, मतलब इतना मेजर कंट्रीब्यूशन था अर्जन सिंह का, उन्होंने मैन टू मैन मार्किंग किया था और वन साइडेड इंडिया जीता था, और पाकिस्तान को अमेरिका का सपोर्ट होने के बावजूद वो हार गया था, ठीक है। हिज मोस्ट आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज ड्यूरिंग द वॉर सेड काक। तो यहाँ पे जो कपिल काक जी है वो क्या बोलते हैं कि उनका सबसे बढ़िया कॉन्ट्रीब्यूशन जो था, आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन था, वो वॉर के दौरान था, मतलब इतना तगड़ा प्लानिंग किया था उन्होंने। कमेंडिंग हिज रोल इन द वॉर, YB चौहान द डिफेंस मिनिस्टर हैड रिटन, एयर मार्शल अर्जन सिंह इज अ ज्वेल ऑफ अ पर्सन, क्वाइट एफिशियंट एंड फर्म, अनएक्साइटेबल बट अ वेरी एबल लीडर। तो जो डिफेंस मिनिस्टर थे हमारे YB चौहान, उन्होंने क्या किया, कमेंडिंग मतलब प्रेज करना, मतलब तारीफ करना, तारीफ करते हुए अर्जन सिंह के बारे में उन्होंने क्या कहा कि एक हीरा है, ज्वेल ऑफ अ पर्सन मतलब हीरे जैसा है, क्वाइट एफिशिएंट मतलब बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है, और फर्म भी है, तगड़ा है, ये एक्साइटिंग नहीं होगा बट एक बहुत ही काबिल लीडर है, बिकॉज इतना तगड़ा प्लान करके अगर कोई हराता है किसी को तो उसने तो, बट ऑब्वियस है वो बहुत ही काबिल होगा, ठीक है। तो ये सब कह के जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे तब भी के YB चौहान, उन्होंने अर्जन सिंह की, एयर मार्शल अर्जन सिंह की तारीफ की। इन 1944 द मार्शल हैड लेड अ स्क्वाड्रन अगेंस्ट द जापानीज ड्यूरिंग द अराकन कैंपेन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि 1944 में मार्शल ने एक स्क्वाड्रन ये किया था, लीड किया था, किसके अगेंस्ट? जापानीज के अगेंस्ट, जापान के अगेंस्ट, ठीक है। कौन से कैंपेन में? अराकन कैंपेन में।
स्क्वाड्रन मतलब क्या, एक मिलिट्री यूनिट होता है ना, उसे स्क्वाड्रन कहते हैं। ठीक है, फ्लाइंग क्लोज एयर सपोर्ट मिशंस ड्यूरिंग द क्रूशियल इम्फाल कैंपेन एंड लेटर असिस्टेड द एडवांस ऑफ अलाइड फोर्सेस टू यंगून, जो अभी रंगून कहा जाता है उसे, वो पहले यंगून होता था। तो उन्होंने क्या कहा कि 1944 ने जो मार्शल है अर्जन सिंह, उन्होंने एक स्क्वाड्रन लीड किया था, मतलब एक मिलिट्री यूनिट लीड की थी, किसके अगेंस्ट, जापान के अगेंस्ट। ठीक है, और वो बहुत ही क्रूशल मिशन था, ठीक है, बिकॉज इम्फाल कैंपेन से वो जोड़ा गया था। एंड फिर लेटर क्या हुआ, ही असिस्टेड द एडवांस ऑफ अलाइड फोर्सेज, उसने जो अलाइड फोर्सेज थे रंगून के, वो उसने असिस्ट किए थे, मतलब लीड किए थे फिर से। अभी उनके अचीवमेंट के बारे में यहाँ पे कहा गया है, किनके अचीवमेंट के, मार्शल अर्जन सिंह के। ठीक है, इन रिकग्निशन ऑफ हिज फीट ही वॉज अवॉर्डेड द डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस दैट इज द DFC ऑन द स्पॉट बाय सुप्रीम अलाइड कमांडर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो इधर क्या कहा है कि जो सुप्रीम अलाइड कमांडर थे साउथ ईस्ट एशिया के, उन्होंने मार्शल अर्जन सिंह को DFC से प्रस्तुत किया, मतलब डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस का उन्होंने उनको एक रैंक दिया फिर से। ठीक है, द फर्स्ट इंडियन पायलट टू हैव रिसीव्ड इट। तो पहले इंडियन पायलट थे ये जिनको ये मिला, क्या मिला, डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस का किताब मिला, इसके पहले किसी भी इंडियन पायलट को ये मिला नहीं था। सिंह वॉज सिलेक्टेड फॉर द एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स एट रॉयल एयरफोर्स क्राउनवेल इन 1938 व्हेन ही वॉज 19 ईयर्स ओल्ड। ओके, तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि उन्हें किसके लिए सिलेक्ट किया गया था, एम्पायर पायलट ट्रेनिंग, मतलब पायलट ट्रेनिंग होती है ना एम्पायर की, बहुत तब भी बहुत फेमस था ये, क्रॉनवेल में लिया जाता था ये ट्रेनिंग। ठीक है, सो 1938 में अर्जन सिंह को ये ट्रेनिंग के लिए भी बुलाया गया था, और तब भी वो सिर्फ 19 साल के थे, मतलब जस्ट इमेजिन, इतने कम उम्र में इतने सारे पोस्ट उनको मिल चुके थे ऑलरेडी। ही रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन 1969, तो वो रिटायर कब हुए ये सर्विस से, 1969 में। सिंह वॉज बॉर्न ऑन April 15, 1919 इन लालपुर। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो अर्जन सिंह थे वो, उनका जन्म कहाँ पे होता है, लालपुर में, कभी 15 अप्रैल 1919 को। ठीक है, और तब भी का लालपुर था, अभी उसे फैसलाबाद कहा जाता है, जो कहाँ पे, पाकिस्तान में। एंड कम्प्लीटेड हिज एजुकेशन एट मॉन्टगोमरी। ठीक है, और एजुकेशन कहाँ पे कम्प्लीट किया था, मॉन्टगोमरी में, जो अभी सहीवाल के नाम से पहचाना जाते हैं, कहाँ पे, ये भी पाकिस्तान में। हिज फर्स्ट असाइनमेंट ऑन बींग कमीशनड वॉज टू फ्लाई वेस्टलैंड वापिटी बाई प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एज अ मेंबर ऑफ द नंबर वन RIAF दैट इज रियाफ स्क्वाड्रन। तो यहाँ पे क्या कहा है कि उनका जो पहला असाइनमेंट था वो कहाँ पे उड़ना था, उनको वेस्टलैंड में उड़ना था। ठीक है, बाई प्लेन मतलब एक ओल्ड टाइप का एयरक्राफ्ट था वहाँ से, और कहाँ से उड़ना था उनको, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से, एज अ मेंबर ऑफ वॉट, नंबर वन RIAF दैट इज रियाफ स्क्वाड्रन। ठीक है, और RIAF का फुल फॉर्म क्या है, रॉयल इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, तो ये उनका पहला असाइनमेंट था। After a brief stint with the newly formed No. 2 RIAF squadron, where the Marshal flew against the tribal forces, he later moved back to No. 1 squadron as a flying officer to fly the Hawker Hurricane. तो यहाँ पे क्या कहा है कि जब भी वो नंबर टू RIAF squadron में थे, तब Marshal किसके अगेंस्ट फ्लाई कर रहे थे, ट्राइबल फोर्सेज, मतलब जो आदिवासी लोग थे उनके अगेंस्ट। ठीक है, ही लेटर मूव्ड बैक टू नंबर वन स्क्वाड्रन, तो फिर से वो नंबर वन स्क्वाड्रन एस गए। ठीक है, और फ्लायर ऑफिसर बने, और तब भी उन्होंने हॉकर हरिकेन के लिए फ्लाई किया। ही वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ स्क्वाड्रन लीडर इन 1944, तो वो स्क्वाड्रन लीडर बने कभी 1944 में। फॉर हिज रोल इन सक्सेसफुली लीडिंग द स्क्वाड्रन इन कॉम्बैट ही वॉज अवॉर्डेड द डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस इन 1944, तो उनके रोल के लिए, जो कि बहुत सक्सेसफुल था उनके लिए, तो 1944 में उन्हें डिस्टिंग्विश फ्लाइंग क्रॉस से सम्मानित किया गया DFC से। ऑन August 15, 1947 ही अचीव्ड द यूनिक ऑनर ऑफ लीडिंग अ फ्लाई पास्ट
ऑफ ओवर 100 IAF एयरक्राफ्ट ओवर द रेड फोर्ट इन दिल्ली। तो 15th August 1947, आप सबको पता है हमारा इंडिपेंडेंस डे है 15th August, और इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था तभी, ठीक है, 1947 में। तो वो बहुत नसीबवान थे कि तभी रेड फोर्ट के ऊपर से उन्होंने ऑलमोस्ट 100 इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट उड़ाए थे। मतलब उस दिन आपने देखा होगा जब वो अभी रिसेंटली जब कोरोना का चल रहा है तो हॉस्पिटल्स के ऊपर से वो लोग ने उड़ाए थे पूरे, तो एज अ गार्ड ऑफ ऑनर उन्होंने उड़ाए थे, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। तो इंडिपेंडेंस डे फॉर 15th August 1947 को अर्जन सिंह ने भी ऐसे ही 100 एयरक्राफ्ट उड़ाए थे ऊपर से, ठीक है, इंडिपेंडेंस मिलने की खुशी में। तो इससे उन्हें बहुत एक्चुअली खुशी हो गई थी बिकॉज ही वॉज लकी इनफ टू डू दिस, एंड वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी था बिकॉज हमारा इंडिपेंडेंस मिला था। आफ्टर हिज प्रमोशन टू द रैंक ऑफ विंग कमांडर ही अटेंडेड द रॉयल स्टाफ कॉलेज एट द UK। तो यहाँ पे क्या कहा है कि जब उनका प्रमोशन हुआ एज अ विंग कमांडर तो उन्होंने यूके में कॉलेज है लंदन में रॉयल स्टाफ कॉलेज, वहाँ उनका अटेंडेंस है, मतलब ही अटेंडेड दैट पर्टिकुलर कॉलेज। इमीडिएटली आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस ही कमांडेड अंबाला इन द रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद उन्होंने अंबाला कमांड किया, ठीक है, एज अ वॉट एज अ रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन, बाद के वो ग्रुप के कैप्टन बने। इन 1949 ही वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ एयर कमांडर एंड टू ओवर एज एयर ऑफिसर कमांडिंग, दैट इज AOC ऑफ एन ऑपरेशनल कमांड विच लेटर केम टू बी नोन एज वेस्टर्न एयर कमांड। तो यहाँ पे क्या कहा है कि 1949 में उन्हें प्रमोशन मिला फिर से एज अ वॉट एयर कमांडर, ठीक है, और फिर वो AOC बने, दैट इज एयर ऑफिसर कमांडिंग बने ऑपरेशनल कमांड के, एंड वही ऑपरेशनल कमांड को लेटर ऑन क्या नाम दिया गया, वेस्टर्न एयर कमांड, ठीक है। सिंह हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज AOC ऑफ एन ऑपरेशनल बेस इनिशियली फ्रॉम 1949-1952 एंड देन अगेन फ्रॉम 1957-1961। यहाँ पे क्या बोला है अर्जन सिंह थे वो बहुत लंबे टेन्योर तक, मतलब बहुत लंबे वक्त तक AOC थे, मतलब एयर ऑफिसर कमांडिंग थे, ठीक है, एयर ऑफिसर कमांडर थे इनफैक्ट, और उनका टेन्योर यहाँ पे बताया गया कि 1949 से 1952 तक, मतलब 3 साल, और फिर से वो 1957 में बने और वो 1961 तक, मतलब 4, ऐसे मिलकर 7 साल वो AOC थे, ठीक है, एयर ऑफिसर कमांडर थे। आफ्टर हिज प्रमोशन टू द रैंक ऑफ एयर वाइस मार्शल ही वॉज अपॉइंटेड एज द AOC इन सी ऑफ एन ऑपरेशनल कमांड। तो यहाँ पे क्या कहा है कि उनके प्रमोशन के बाद वो एयर वाइस मार्शल बने और वो फिर से एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने, फिर AOC इन सी मतलब एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने, कहाँ पे, ऑपरेशनल कमांड पे, एज एन ऑपरेशनल कमांड। Towards the end of the 1962 war, he was appointed as the deputy chief of the air staff and he became the vice chief of the air staff in 1963. तो यहाँ पे क्या कहा है कि 1962 के एंड तक उन्हें डेप्यूटी चीफ एज अपॉइंट किया, किसका, एयर स्टाफ का, और फिर 1963 में वो वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने। तो यहाँ पे इनके अचीवमेंट्स के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, ही वॉज द ओवरऑल कमांडर ऑफ द जॉइंट एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज शिक्षा विच वॉज हेल्ड बिटवीन IAF, RAF एंड RAAF। तो यहाँ पे क्या कहा है कि वो ओवरऑल कमांडर थे 3 जॉइंट एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज के, जो थी शिक्षा और जो तीन इसमें हेल्ड हुआ था, वो एक तो रॉयल एयरफोर्स था, एक रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स था और एक इंडियन एयरफोर्स था, ठीक है। ऑन August 1, 1964 इन द रैंक ऑफ एयर मार्शल द मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह टुक ओवर रीन्स ऑफ IAF, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि August 1, 1964 जो मार्शल था, ठीक है, एयरफोर्स अर्जन सिंह था, उन्होंने IAF को कमांड में लिया, इंडियन एयरफोर्स को, एट अ टाइम व्हेन इट वॉज स्टिल रीबिल्डिंग इट सेल्फ एंड वॉज गियरिंग अप
टू मीट न्यू चैलेंजेस, मतलब एक ऐसे टाइम पे उन्होंने कमांड लिया कि तभी वो रीबिल्ड हो रहा था, मतलब पूरा हुआ पूरा वॉर के टाइम टूटा हुआ था बट अभी इट वॉज रीबिल्डिंग, मतलब फिर से वो फॉर्म हो रहा था और फिर से नए नए चैलेंजेस के लिए वो तैयार होने वाला था। और तभी एयरफोर्स मार्शल ने अर्जन सिंह ने वो हाथ में लिया था, मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हाथ में ली थी। ठीक है, सिंह वॉज द फर्स्ट एयर चीफ टू कीप हिज फ्लाइंग करेंसी टिल हिज CAS रैंक। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि सिंह ऐसे पहले एयर चीफ थे जिन्होंने उनकी फ्लाइंग करेंसी मतलब नीचे मीनिंग दिया है मैंने, अप टू डेट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, मतलब एयरक्राफ्ट चलाने का जो एक्सपीरियंस है उसे फ्लाइंग करेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे वही कहा गया कि ही वॉज द फर्स्ट एयर चीफ टू कीप हिज फ्लाइंग करेंसी टिल हिज CAS रैंक। ठीक है, CAS मतलब चीफ ऑफ एयर स्टाफ। ठीक है, हैविंग फ्लोन ओवर 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट फ्रॉम प्री वर्ल्ड वॉर टू एरा बायप्लेन्स टू द मोर कंटेम्पररी नैट्स एंड वैम्पायर्स, ही हैज ऑल्सो फ्लोन इन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लाइक द सुपर कंस्टिलेशन। तो यहाँ पे क्या बोला है कि उन्होंने भले 60 एयरक्राफ्ट उड़ाए हो अलग अलग टाइप्स के, प्री वर्ल्ड वॉर टू मतलब वर्ल्ड वॉर के पहले, ठीक है, बट उन्होंने कंटेम्पररी प्लेन्स भी उड़ाए थे जैसे नैट्स था, वैम्पायर्स था, ठीक है, और उन्होंने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी उड़ाए थे जैसे कि सुपर कंस्टिलेशन। तो यहाँ पे सिर्फ उनका नाम बताया गया है अलग अलग एयरक्राफ्ट का और उन्होंने कौन से एयरक्राफ्ट जो उड़ाए थे उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, In 1965, when Pakistan launched its Operation Grand Slam with an armored thrust targeted at the vital town of the Akhnoor, Singh led IAF through the war with courage, determination and professional skill. तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि 1965 जब वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, तब पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ठीक है, उसका नाम क्या था, ग्रैंड स्लैम ऑपरेशन, ठीक है, और इंडिया को टारगेट बनाया था और कौन से टाउन को एक्चुअली टारगेट बनाया था, अखनूर करके एक टाउन था तब जो बहुत ही वाइटल था इंडिया के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो वो लड़ाई किसने लीड की थी, मार्शल अर्जन सिंह ने लीड की थी, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, और उन्होंने वो वॉर बहुत ही करेज मतलब बहुत धैर्य से मतलब लड़ा था, डिटर्मिनेशन मतलब बहुत डेडिकेटली लड़ा था और प्रोफेशनली लड़ा था। ठीक है, ही इंस्पायर्ड IAF टू विक्ट्री डिस्पाइट द कंस्ट्रेंट्स इम्पोज्ड ऑन द फुल स्केल यूज ऑफ एयरफोर्स कॉम्बैट पावर। तो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने कि उन्होंने इंडिया को जीत दिलाई इसमें, एज एन इंडियन एयरफोर्स का लीडर थे तो उन्होंने विक्ट्री दिलाई। उनके ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे, मतलब बहुत रिस्ट्रिक्शंस डाले थे उनके ऊपर, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और करेज, डिटर्मिनेशन और प्रोफेशनलिज्म से इंडिया को जीत दिलाई थी 1965 इंडो पाक वॉर में। ठीक है, तो इतने काबिल इंसान थे वो, और वो बहुत ही एक यंग ग्रुप लीड कर रहे थे, मतलब इनएक्सपीरियंस ग्रुप था, ऐसे भी नहीं था कि बहुत सालों से सब लोग वॉर कर रहे थे। ठीक है, बहुत ही यंग ग्रुप था इंडिया का, फिर भी उन्होंने विक्ट्री दिलाई इंडिया को। तो ये उनका अचीवमेंट था, एक्चुअली बहुत बड़ा अचीवमेंट था, बिकॉज आप सबको पता है कि इंडिया पाकिस्तान कितने क्रंच वॉर्स रहते हैं, कितना गुस्सा रहता है एक दूसरे में, तो इंडिया की जीत मतलब बहुत ही आलीशान जीत थी वो, और बहुत ही कमांडिंग जीत थी, बहुत ही वन साइडेड अफेयर था वो, वन साइडेड इंडिया ने जीता था और उसका पूरा श्रेय मेजर अर्जन सिंह को जाता है। सिंह वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण फॉर हिज अस्ट्यूट लीडरशिप ऑफ द एयरफोर्स ड्यूरिंग द वॉर। तो जो वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो वो लीडरशिप के वजह से अर्जन सिंह को मतलब मार्शल अर्जन सिंह को पद्म विभूषण से आयोजित किया गया, मतलब पद्म विभूषण इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स इन इंडिया। ठीक है, तो उनके लीडरशिप की वजह से उन्हें वो अवार्ड दिया गया। सब्सिक्वेंटली इन रिकॉग्निशन ऑफ द एयरफोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द वॉर द रैंक ऑफ द CAS वॉज अपग्रेडेड एंड अर्जन सिंह बिकेम द फर्स्ट एयर चीफ मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो उन्होंने क्या कहा कि ये इतना फेमस हो गया इनका किस्सा और इनको इतनी वाहवाह मिली कि उनके कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से, वो वॉर के कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से उनका जो रैंक था CAS का वो भी अभी अपग्रेड किया गया। ठीक है, तो अभी वो CAS अपग्रेड किया गया और उनको फर्स्ट एयर चीफ मार्शल बनाया गया इंडियन एयरफोर्स का। तो ये भी उनमें एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उनके लिए। ठीक है, बिकॉज इतने जल्दी कोई वो पोस्ट ले नहीं सकता, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है
जो अर्जन सिंह ने की थी उनके लीडरशिप के थ्रू कभी इंडिया पाकिस्तान वॉर में 1965 के. ही रिमेंड अ फ्लायर टू द एंड ऑफ हिज टेन्योर इन IAF. तो उन्होंने क्या कहा कि वो लास्ट तक उनके रिटायरमेंट तक एक फ्लायर ही बने, मतलब जो मतलब उनका एक पोस्ट दिया यहाँ पे कि वो पायलट ही रहे लास्ट तक, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के, विजिटिंग फॉरवर्ड बेसिस एंड यूनिट्स एंड फ्लाइंग विद स्क्वाड्रंस. तो वो हमेशा यूनिट्स विजिट करते थे और हमेशा अपने स्क्वाड्रंस के साथ, मतलब मिलिट्री यूनिट के साथ फ्लाई करते थे. ही रिटायर्ड इन ऑगस्ट 1969 देयर अपॉन एक्सेप्टिंग द एम्बेसडरशिप टू स्विट्जरलैंड. तो 1969 अगस्त में वो रिटायर हो गए, ठीक है, अपने पोस्ट से, और उनको स्विट्जरलैंड का एम्बेसडरशिप मिला, ठीक है. ही वॉज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली फ्रॉम डिसम्बर 1989 टू डिसम्बर 1990. तो एक साल तक वो लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे दिल्ली के, ठीक है, दिसंबर 1989 से 1990 तक. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग करियर था इनका. आपने देखा ही होगा कि इनको ग्रोथ भी इतनी फटाफट मिली और वो उनके मेहनत की वजह से ही मिली. बट ऑब्वियस है, बिकॉज आपको अभी तक पता भी चला होगा कि उन्होंने मेहनत कितनी की थी और कितने शार्प आदमी थे और उनकी लीडरशिप क्वालिटीज तो अलग लेवल की थी. Having a source of inspiration to all the personnel of armed forces through the years, the government conferred the rank of the Marshal of the Air Force upon Arjan Singh in January 2002, making him the first and the only 5-star rank officers with Indian Air Force. तो उन्होंने क्या कहा है यहाँ पे कि ये पूरे कंट्री के लिए अभी एक इंस्पिरेशन बन चुके थे, ठीक है, और उनका जो मार्शल का रैंक था वो गवर्नमेंट ने हटाया कभी जनवरी 2002 में, और उन्हें 5-star रैंक ऑफिसर का अभी नाम मिला, मतलब उनको रैंक मिला 5-star, ठीक है, 5-star ऑफिसर का, कहाँ पे, इंडियन एयरफोर्स से. और अभी तक के वो फर्स्ट ऐसे आदमी है जिन्हें 5-star रैंक मिला है, ठीक है, इसके पहले किसी को भी नहीं मिला था, ठीक है. तो उनके लिए ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी और आई थिंक इट वॉज मोस्ट डिजर्विंग, बिकॉज आप सबने देखा कि उन्होंने कितनी मेहनत की थी और कितना नाम किया था कंट्री का. सो डिजर्विंगली ही गॉट द 5-star रैंक व्हेन इन जनवरी 2002. सो लेट्स कम टू द कंक्लूजन पार्ट. तो अभी क्या कंक्लूड करूँ, आप सबको पता ही है, आपने इनफैक्ट देखा कि जो ये 5-star रैंक ऑफिसर है मार्शल अर्जन सिंह, वो कितना कमाल का आदमी था. मतलब देश के लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया, उनकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ थी, फिर उनका प्लानिंग था, मतलब 1965 का वॉर ही ले लो, पाकिस्तान इतना कमांडिंग पोजीशन में था बिकॉज उनके पास इक्विपमेंट्स थे, फिर अमेरिका उनकी मदद कर रहा था, और इन्होंने एक यंग इंडियन फोर्स को लीड किया था तभी. मतलब क्या करेज रहेगा ये आदमी का, क्या डिटर्मिनेशन रहेगी. सो फिर भी ये सब करके भी उन्होंने एक्चुअली वो वॉर जीता, और ऐसे वैसे नहीं, वन साइडेड वॉर था वो, ठीक है, आराम से जीत लिया था बहुत. तो ऐसी थी इस आदमी की पहचान, इतना उन्होंने अपने देश के लिए किया था. और आपने देखा भी होगा कि उनके अचीवमेंट्स भी इतने फटाफट उनको मिले, मतलब तो बहुत ही अप्रिशिएटेबल था ये सब. एंड आई होप कि आप सब भी कभी एक दिन ऐसे ही कुछ अचीव करोगे. एंड इनफैक्ट आई वुड से कि हमें जो इंडियन आर्मी है, जो इंडियन एयरफोर्स है, इन्हें पूरे दिल से इनका आभार मानना चाहिए, मतलब थैंक करना चाहिए उनको, बिकॉज ऑफ देम वी आर ब्रीदिंग फ्रीली, ठीक है. उनके वजह से हमें कुछ नहीं होता यहाँ पे, बिकॉज बॉर्डर पे वो लोग इतनी मतलब गोलियाँ सहन करते हैं या जो भी कुछ. तो आई जस्ट होप कि अगर कभी आपको कोई इंडियन एयरफोर्स का या कभी इंडियन आर्मी का कोई मतलब आदमी दिखे तो उन्हें सल्यूट ज़रूर कर देना एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट. ओके, थैंक यू.